और हम लोग ना यहाँ चल रहे हैं, तो देखिए हमें कैसे देख रहे हैं। ये देखिए कितनी प्यारी। आज तुम बोल हमारे रोड़ी उद्घाटन कर रहे हैं, साथ साथ प्रणाम। तुम कौन आए जुमेल भी लगन दा और ये चौपुल अभी आ चौपुल क्या लग रहा है, चौपुल भी लगाना अभी। और मौसम तो मतलब वही हाल है, मौसम का पल में 16 पल में मौसम वाला है। भाई ये रहा जंगल और यहाँ से जो बांस का पानी निकलता है वो बहुत मीठा होता है। तो परिधि को यहाँ पर ये कुछ मिल गया है। क्या जी परिधि? च्यूं च्यूं। फ्रेंड्स तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग एकदम रेडी हैं और हम सब जा रहे हैं कालिंका मंदिर में। जी बिल्कुल, तो आज हम कालिंका मंदिर में जा रहे हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, तो बने रहिएगा आप सब लोग हमारे साथ। तो बोलो जय माता दी। तो यहाँ पर परिधि की हंसी निकल पड़ी क्योंकि मैंने पूछा कितने गांव हैं और उसने सुना कि कितने दांत है, वो बोल रहा 32। सो फ्रेंड्स तो आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी रोक ली है अपनी, क्योंकि यहाँ से ना इतने सुंदर नज़ारे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो ये जगह जोगीमणी से थोड़े से पहले की है और ये देखिए आप लोग इस तरफ, तो मम्मी परिधि और ये भी सब यहाँ पर उतरे हुए हैं और परिधि तो रील बना रही है अपने चाचा के साथ। हेलो। और यहाँ से देखिए आप लोग ये चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और दूर दूर पहाड़ियाँ देखिए आप लोग, हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई है। जब हम लोग घर से निकले थे तब तो भयंकर बारिश हो रही थी, मुझे तो लगा था आज सफ़र पता नहीं कैसे होगा, बीच में रुक पाएंगे नहीं रुक पाएंगे इस तरह से। कुछ नहीं आने भी यहाँ पर आप लोग देखकर समझ गए होंगे, तो यहाँ पर ये रोड का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, तो यहाँ पर ना आज बहुत ही शुभ मौके पर हम लोग पहुँचे हैं। तो यहीं पर यही नजदीकी ग्रामवासी है, तो उनसे जान लेते हैं कि कहाँ के लिए ये रोड कटिंग का काम यहाँ से शुरू हुआ है। ये मंगरो जानी चे रोड, मंगरो मंगरो गम जानी चे रोड उद्घाटन होनो तो आज ही रोड को मंगरो गम जानी चे सब गीत लगाना चाहिए, भजन लगाना चाहिए, मंगरो गांव सब लेडे जाया चाहिए उद्घाटन करना। तो उनके गांव तक ये रोड जा रही है मंगरो गांव के लिए, तो सबको यहां पर नई रोड बनने की बहुत बहुत बधाई। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो इस खुशी के मौके पर हमारे जो लोक नृत्य हैं, लोक गीत हैं, वो भी गाए जा रहे हैं। देखिए खोल दे माता खोल भवानी गाना यहाँ पर गा रहे हैं। मंगरो गांव का है, मंगरो मंगरो सरिता। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। तुम कौन भी आज तुम हमारे रोड़ी उद्घाटन कर रहे हो, साथ साथ प्रणाम। तुम कौन आए और बहुत बढ़िया आज जरा गीत हम छोटे गांव से पर एक मिजवाटी से एक मिजवाटी से है ना, हां तो हम यो गीत पुरेने पुरेने थाड़े गीत भी लगांदा जुमेल भी लगन दा और ये चौपुल अभी आ चौपुल क्या लग रहा है, चौपुल भी लगाना अभी लगा चौपुल। चलो सब उधर बहुत बहुत बधाई आप लोगों ने, हम भी चल दो छागने आगने, तो चलो
चली ही अलागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली ही अलागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में एगे बहार, फागुन खिलूला हम मीरों पहाड़। सरप्राइज, अभी हम लोग उतर गए हैं जोगीमढ़ी मार्केट से आगे की तरफ और बस अब यहीं पर, जैसे कि पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं तो ये जोगीमढ़ी में ही गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस से ही थोड़ा सा इस तरफ को आप लोगों को ये माँ कालिंका मंदिर तक जाने के लिए इस तरीके से गेट दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं तो यहीं से हम लोग अब पैदल होते हुए जाएंगे और अगर हम लोगों को गाड़ी से जाना होता ना तो हम लोग ये जोगीमढ़ी से ही ठीक आगे की तरफ ये रोड है जो सरायखेत और खाली तक है और खाली क्या मतलब यूं समझ लीजिए आप मंदिर तक ही अब ये रोड बन गई है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि माँ कालिंका का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल और साथ ही अल्मोड़ा दो जिलों के मध्य स्थित है और यहाँ से पौड़ी गढ़वाल की अगर मैं बात करूँ तो पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक में यह मंदिर है। और आपको बता दूं कि हम लोग घर से यहाँ तक ठीक 17 किलोमीटर के लगभग आए हैं। तो चलिए फिर अब यहाँ से चलते हैं पैदल। ये है रास्ता और सभी लोग आगे आगे की तरफ निकल रहे हैं पैदल पैदल। तो चलिए मम्मी तो घर आ गए है ना, घर आ गए तो चलिए। तो अभी हम सब लोग पैदल रास्ते की ओर आगे निकल गए हैं और नीचे की तरफ ना आप लोग देखेंगे तो पहले चीड़ के ही पेड़ ज़्यादातर हैं और आगे रास्ते में भी आप लोग देख सकते हैं तो इस समय चीड़ की पत्तियां गिरी हुई हैं जिन्हें कि हम अपनी गढ़वाली बोली में पिरूल कहते हैं। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर हाइट पर जाएंगे तो हमें फिर बांस बुरांस देवदार के पेड़ दिखाई देंगे, काफल के भी। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ आगे आगे। अंशी थकान लग गई क्या? अभी तो थोड़ा सा आए हम। सुप्रेंस आगे देखिए कुछ कितना तो सामान लेकर ही जा रहे हैं आजकल बरसात में, सभी अपनी अपनी छतरी लेके और परिधि भी एक बैग। परिधि त्या बैग हम क्या छे और परिधि के बैग में है चाय पानी और एक बैग उनके पास है। तुम्हारे बैग में क्या छे? रोटी सब्जी आम केले। अच्छा, उनके बैग में रोटी सब्जी केले और आम और परिधि के बैग में है चाय और पानी और ग्लास वगैरह है। तो ये तो पूरी खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ चल रहे हैं भाई। तो खाना पीना सब कुछ बना कर ले जा रहे हैं क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश हो जाए और रास्ता वगैरह ठीक ना हो पाए तो नाइट स्टे भी हम लोग वहाँ पर फिर कर सकते हैं। तो सब कुछ सुबह से ही तैयार कर रखा था हमने, खाना वगैरह, और बारिश भी मतलब आते आते तक बारिश ही थी। सोच रहे थे कि क्या पता किस तरह से, लेकिन फिर भी माता का बुलावा था तो हम लोग आ गए है ना। और जाना ही था, एक ना एक दिन दर्शन करने ही थे और बारिश तो आजकल रोज ही रहती है ना। बारिश का मतलब ऐसा वेट नहीं कर सकते हम लोग कि बारिश जिस दिन ना हो तब हम बारिश तो बरसात मौसम ज़्यादा रोज ही होने लगे। हाँ, तो रास्ता काफ़ी खूबसूरत है पैदल। बुरांस का पेड़। अच्छा, बुरांस का बांस बुरास काफल चीड़ सभी पेड़ हैं और ये देखिए आप लोग उन्हीं की छाया से होते हुए हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। और मौसम तो मतलब वही हाल है मौसम का, पल में 16 पल में मौसम वाला है। उसी समय हल्की सी बारिश हो रही है और उसी समय बंद हो रही है। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो रास्ता आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आजकल रास्ता है, कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ है और कहीं कहीं पर इस तरीके से जहाँ घास है तो वहाँ काफी अच्छा लग रहा है। परिधि भी मुझे लग रहा है पहली बार ही आ रही है ना इस रास्ते। कालिंका जतोड़े में तो गई थी ना, लेकिन वो अपने नानी के गांव के रास्ते गई थी, रिखाड़ के रास्ते। इस रास्ते से पहली बार ही आ रही है। बाजार के रास्ते।
और इस बार हमारे साथ जा रही है वो जोगी मड़ी के रास्ते, तो चले फिर। तो गाइस ये रहा जंगल और यहाँ से जो बांस का पानी निकलता है वो बहुत मीठा होता है। हाँ ये पूरा देखिए बांज बुरास का ही जंगल है। यहाँ पर ना पूरी छाया मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि यहीं पर ही रहे, यहीं पर रहे हैं ना। अरे हैं काली के मंदिर में। ओह राम से फिसलन भी रहे। अब बोल, बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है यहाँ बारिश की वजह से ना। सो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप लोग, तो ये रास्ता पूरा आगे टूट गया है यहाँ पर, और कुछ इस तरह से देखिए नीचे की तरफ ये पूरी खाई की तरह। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से ना संभल के चलना होगा। तुम भी फिसलो क्या? आप दो तीन बार गिरे। अच्छा मैं तो एक ही बार फिसल, हर एक बार पड़ी थी हल्कू से। और ये देखिए गाइस, तो परिधि को यहाँ पर ये कुछ मिल गया है। क्या जी परिधि? च्यू, ऐसे हम लोग च्यू बोलते हैं, और वैसे मशरूम होती है ना जो एक तरह से, हाँ जंगली मशरूम, तो वही है। कहाँ मिलो? अच्छा ये देखिए गाइस कितना, और इसकी ना सब्जी भी होती है बहुत टेस्टी, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है कि ये जहरीला वाला है या फिर सही वाला है, है ना। क्योंकि ये जहरीला होता है ना तो इतना भयंकर जहरीला होता है कि फिर तो बचना मुश्किल हो जाता है, तो इसे वही लोग यूज करके खा सकते हैं जिन लोगों को इसकी पहचान हो। तो फिलहाल तो हम लोगों ने बस ऐसे ही पकड़ लिया, और अब यकी छोड़ दे छोड़, है ना, क्या पता जहरीलो हालत हाथ पर लग जाल ना, तो ये हाँ वही तो जहरीलो हालत वही तो, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है इस तरह। सारे लोग होते हैं उनको पता चल जाता है हाँ ये खाने लायक है या नहीं खाने लायक है। हाँ तो चलिए हमने उसको छोड़ दिया है, और यहाँ जंगल में ना कई होंगे, और सब्जी इतनी टेस्टी होती है ना उसकी क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स हम लोग ठीक आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं, अब यहाँ से आधा रास्ता अभी और है, और यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं इस वक्त। यहाँ पर ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, नीचे से जब आ रहे थे ना तो थोड़ा सा, क्योंकि गहराई में है और घना जंगल भी है तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सब के सब इस वक्त यहीं पर रुके हुए हैं, और कालिंका जिस दिन यहाँ पर जतोड़ा होता है उस दिन तो इसी जगह पर पूरी दुकानें भी रहती हैं। तो आगे की तरफ ठंडे ठंडे आम खाओ। तो इन्होंने निकाल लिए हैं ये आम, और चलिए फिर आम वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलेंगे। भाग्य, अब मम्मी दगड़ भाग्य हो शायद। और ये देखिए जंगल के बीच में यहाँ पर मवेशी भी यहाँ पर चल रहे हैं। वाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और हम लोग ना यहाँ चल रहे हैं तो देखिए हमें कैसे दिख रहे हैं। ये देखिए कितनी प्यारी है भेड़, बिल्कुल यहाँ देखिए ये छोटा सा बच्चा देखिए अपने मवेशियों के साथ यहाँ पर आया हुआ है, गाय बैल और बकरी सब भेड़ उनके साथ में। तो ये परिधि ने उसे एक मैंगो भी दे दिया है। सो फ्रेंड्स तो इधर से पैदल चलते चलते हम लोग अब इस स्थान पर पहुँच गए हैं, और आगे की तरफ मम्मी और परिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहीं से ना मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो वहाँ दूर पहाड़ी पर आप लोग देख सकते हैं
यहीं से। तो ये जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वहीं तक अभी हमें पहुँचना है यहाँ से। तो चलिए फिर चलते हैं जल्दी जल्दी से।